अगर तुहाडा सवाल न्यूजीलैंड वर्क परमिट नूं लैके आ जां तुहाडे दिमाग च कन्फ्यूजन न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीजे नूं लैके आ जां फंड्स किन्ने दिखाउणे पैणे ने कौन दिखा सकदा है किवें दिखाए जा सकते हैं जिस चीज़ के मैं खिलाफ हाँ कि एजेंट लोग पैकेज प्रमोट करते हैं हम लेंगे पैसे वीज़ा लगने के बाद सो आ डायलॉग नहीं चलने न्यूजीलैंड विच क्योंकि फीस अंबैसी की शर्त मुताबक जाती वीज़ा आने तो बाद है यानी कि अपरूवल होने तो बाद। सत श्री अकाल जी सारे नूं मैं तुहाडा अपना सुखचैन राही RS ग्लोबल इमीग्रेशन के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम राही हर बार तुहाडे नाल UK कैनेडा आस्ट्रेलिया लैके अपडेट दे दी अज गल करांगे न्यूजीलैंड बारे द लैंड ऑफ राइजिंग सन चढ़ते सूर्य की धरती न्यूजीलैंड एक मुल्क जिहड़ा हमेशा यूथ नूं अट्रैक्ट करता रहा पढ़ाई करन नूं लैके PR नूं लैके या वर्क परमिट्स नूं लैके बहुत सारिया इनकुआरी साडे ऑफिस आउंदियां ने सर न्यूजीलैंड के वर्क परमिट खुले सर न्यूजीलैंड किन्ने दा वर्क परमिट मिलता है किन्ने साल का मिलता सो सारी इनफॉर्मेशन मैं मिक्स करके स्टूडेंट वीजे पर किनू जाना चाहिए वर्क परमिट पर किनू जाना चाहिए अज इस वीडियो राही दसन की कोशिश करा अगर तुहाडा सवाल न्यूजीलैंड वर्क परमिट नूं लैके आ जां तुहाडे दिमाग च कन्फ्यूजन न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीजे नूं लैके आ या फंड्स किन्ने दिखाउणे पैणे ने कौन दिखा सकदा है किवें दिखाए जा सकते हैं ये 5-7-10 मिनट की वीडियो तुहाडे सारे सवालों ने जवाब दे सकती है उम्मीद करता वीडियो चंगी लगेगी कि चंगी लगे तो अपने दोस्तों भैणों मित्रों शेयर करो एंड आपके सुझाव आपके फीडबैक जरूर सानू वीडियो थोड़े दे दौ। सो न्यूजीलैंड वर्क परमिट बारे गल करन तो पहला गल करांगे न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा बारे प्लस टू पास स्टूडेंट या ग्रैजुएशन वाला स्टूडेंट या स्पाउस नाल लैके जाने वाला स्टूडेंट इस गल तो खैर हुण दो राय नहीं किसी कोई भुलेखा नहीं कि न्यूजीलैंड विच 6 मंथ होल्ड फंड चाहिए ने अगर तुहाडी 3 साल की एजुकेशन है तो फस्ट ईयर के जिहड़े एक्सपेंसिस ने जिवें मान लो तुहाडी $20,000 न्यूजीलैंड की फीस है तो $20,000 तुसीं नाल लिविंग एक्सपेंस लैके जाना $40 तुसीं यह 22 लाख रुपया तो 6 महीने पुराना दिखाना प्लस अगले साल की फीस और तीजे साल की फीस तुसीं नवे फंड्स भी दिखा सकते हो एंड बहुत सारे बैंक सस्तियां दरां ते तकरीबन 7-8% दरां ते तुहानूं एजुकेशन लोन भी स्पोंसर या ऑफर करते हैं तुसीं आपके पेरेंट्स इनकम के बेस से तुसीं आपकी प्रॉपर्टी के बेस से बड़ी आसानी नाल लोन भी लै सकते हो उहदे च तुहाडी RS ग्लोबल इमीग्रेशन मदद भी कर सकदा तुसीं अपने पेरेंट्स के फंड्स दिखा सकते हो तो तुसीं अपने ग्रैंड पेरेंट्स दादी दादा के फंड विखा सकते हो तुसीं आपके नानी नाना के फंड विखा सकते हो या फिर आस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड च बैठा तुहाडा रियल कज़न जिहड़ा फस्ट कज़न है उहदे भी फंड्स दिखाए जा सकते हैं प्लस जिहड़े पेरेंट्स गवर्नमेंट इंप्लाई ने उन्होंने कोई GP फंड जमा तुसीं उहदी भी 70% लिमिट दिखा सकते हो सो बहुत सारे इहो जिहे रस्ते ने लीगल जिहदे नाल तुसीं आपके न्यूजीलैंड के फंड की दिक्कत कन्फ्यूजन या जो तुहानूं अड़चन आउंदी दूर की जा सकती है प्लस टू पास हो 2021-22 के भी वाले जस्टिफिकेशन की लोड़ पैंदी है परसेंटेज घट्टो घट 50% एक्सैप्टेबल है IELTS ओवरऑल 6 not less than 5.5 बैंड वो सब तो वड्डा सवाल क्योंकि बड़ी वड्डी गिनती स्टूडेंट आस्ट्रेलिया तो रिफ्यूज़ होए ने आस्ट्रेलिया रिफ्यूज़ होए बच्चे इस गल का भुलेखा है कन्फ्यूजन है कि मेरा शायद न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई नहीं हो सकता हर गिज़ ये गल उसके दिमाग च भुलेखा या झूठ है या गलत है आस्ट्रेलिया रिफ्यूज़ तुसीं न्यूजीलैंड हर गिज़ अप्लाई कर सकते हो यू आर एलिजिबल फॉर आस्ट्रेलिया आफ्टर गैटिंग रिफ्यूजल फ्रॉम आस्ट्रेलिया सो अगर तुम 12वीं तो बाद डिग्री से दाखला लिया या डिप्लोमे दाखला लिया तो आस्ट्रेलिया किसी कारण वीज़ा रद्द हो गया रिफ्यूज़ हो गया तो अगले दिन ही आपकी एप्लीकेशन न्यूजीलैंड दर्ज कर सकते हो जोड़े फंड आस्ट्रेलिया दिखाए थे जो तुम रिफ्यूजल ली आस्ट्रेलिया तो 4 to 6 महीने वैसे खराब हो जाएंगे तो फंड 6 महीने पुराने न्यूजीलैंड एक्सैप्टेबल है तुम्हें ग्रैजुएशन की है ओवरऑल 6 band not less than 5.5 तो ग्रैड डिप्लोमा ये PG डिप्लोमा लेना तो 6.5 ओवरऑल 6 इंच जाया जा सकता और जोड़े बच्चे ने ग्रैजुएशन की अगर Level 8 दाखिल लेंदा मास्टर डिग्री विच या हायर एजुकेशन के अपने स्पाउस के बच्चों नाल लैके जा सकता है $20,000 तो लैके $25,000 न्यूजीलैंड की साल की फीस है कई कॉलेज 15-20% की स्कॉलरशिप अवेलेबल है सब तो वड्डा फायदा जिस चीज़ के मैं खिलाफ हाँ कि एजेंट लोग पैकेज प्रमोट करते हैं असी लवेंगे पैसे वीज़ा लगन तो बाद ऑल फीस आफ्टर वीज़ा या फिर डायलॉग सुन मिलता हम लेंगे पैसे वीज़ा लगने के बाद सो आ डायलॉग नहीं चलने न्यूजीलैंड विच क्योंकि फीस अंबैसी की शर्त मुताबक जाती वीज़ा आने तो बाद है यानी कि अपरूवल होने तो बाद ऑफ लैटर लैन तो बाद यू लॉज द केस इन हाई कमीशन जो फाइल अंबैसी लॉज होंगी है इंटरव्यू डिपेंड करता वीज़ा ऑफिसर का मन है तो लै सकता नहीं तो नहीं इंटरव्यू नहीं भी आती सीधा डायरैक्टली तुम अगर AIP आता जिन्होंने कहते अपरूवल इन प्रिंसीपल
उदों बाद तुसी जिहड़े फंड्स दिखाए ने उसे फंड विच्चों बकायदा आपदे कॉलेज नूं फीस ट्रांसफर कर दिओ। अगर रिक्वायरमेंट आई कि ते आपदा तुसी FTS ट्रांसफर करो, फिर $20,000 तुसी आपदे न्यूजीलैंड अकाउंट विच FTS फंड ट्रांसफर कर दिओ अगर रिक्वायरमेंट है। तो हुण ये भी कंपलशन नहीं है कि FTS दे अंडर, क्योंकि हुण FTS नॉन FTS खत्म हो चुक्या, ये जरूरी नहीं है कि हुण $20,000 नाल लैके जाना पैना। इट ऑल डिपेंड अपॉन वीज़ा ऑफिसर, जदों मेल आउंदी है अप्रूवल दी और अगर लिखा फंड नाल लैके जाने हैं तो तुसीं ट्रांसफर करोगे, अगर नहीं लैके जाने तो कल्ली फीस पे करके भी गुजारा हो सकता है। सो कैनेडा दे GAC वांगू न्यूजीलैंड विच फंड नाल लैके जाना हुण कंपलशन नहीं है। हुण गल करदे हां उहनां बच्चां बारे जिहड़े वर्क परमिट रिलेटड इनकुआरीज करदे ने। यस, इहदे च कोई शक नहीं कि न्यूजीलैंड वर्क परमिट कोई अज नवां नहीं खुल्लिया, तुसीं कोविड तो पहलां भी देख लो बथेरे लोग वर्क परमिट ते जांदे सी। स्किल्ड वर्कर, कोई ट्रक ड्राइवर है, हैवी ड्यूटी ट्राला ड्राइवर है, कोई कुक है, इतने इंडिया कोई वधिया शेफ है, किसी को हॉस्पिटैलिटी का कोई एक्सपीरियंस है, किसी को नर्सिंग का कोई एक्सपीरियंस है, किसी को बुक कीपिंग का एक्सपीरियंस है, किसी को सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस है, किसी को मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। ये सारे तरह के जिहड़े स्किल्ड बंदे ने जिन्हां कोई ना कोई हुनर है और न्यूजीलैंड वर्क परमिट पर जा सकते हैं, उन्होंने उत्थे एक जॉब ऑफर लैन की लोड़ है। और बहुत सारे जिहड़े एप्लीकेंट पुछते हैं उन्होंने कोई ना कोई भैन भरा दोस्त सज्जन मित्र रिश्तेदार उत्थे न्यूजीलैंड ऑलरेडी सैटल ने, वो अगर आपके इंपलायर तो तुहानू जॉब ऑफर दवा सकन तुसी न्यूजीलैंड वर्क परमिट पर जा सकते हो, जिहड़ा 2 साल तो लैके 3 साल तक का हुंदा। बट इस गल का ख्याल रखियो, किसी एजेंट की गल्लां चा के पैसे पहला फसा ना बैठे हो वर्क परमिट के नाते, पूरी गल घोख पड़ताल करके वेरीफाई करके जॉब ऑफर वेख के की तो एलिजिबिलिटी बनती है वो देख के फिर ही आपकी एप्लीकेशन दर्ज करो। तो ये न्यूजीलैंड वर्क परमिट की गल और स्टूडेंट वीजे की गल। फंड्स लैके कोई कन्फ्यूजन है या अपने कोर्स सबजैक्ट में लैके कोई कन्फ्यूजन है, स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा 70509 70509, इस नंबर पर कॉल करके मेरे नाल मेरी टीम नाल मोहाली बठिंडा जलंधर अमृतसर दफ्तर मिला जा सकता। दूरों पंजाब तो बाहर किसी होर सूबे तो नहीं आ सकते, साढ़े नाल तुसीं ऑनलाइन भी अपनी प्रोसैसिंग लैके ऑनलाइन भी अपनी काउंसलिंग लैके सॉरी प्रोसैसिंग शुरू की जा सकती है। न्यूजीलैंड संबंधित अज इन्ना ही, एक नवी वीडियो लैके फिर तुहाडे रूबरू हाजिर होऊंगा। तद तक जूंदे वसदे रहो, रब रखा, सत श्री अकाल।